हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू वाणी एकेडमी। आई एम पलक अग्निहोत्री। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने एनसीईआरटी का कोर्स शुरू कर दिया है 15 जून से, तो हमने एक टॉपिक भी कंप्लीट कर दिया है। आप उसे जाके पहले ज़रूर देखें ताकि आप टॉपिक्स को इंटरलिंक कर सकें और एक फॉर्म दे सकें उनको। सो इतना स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी कि वाणी मैम हैज़ स्टार्टेड अ फाउंडेशन कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी ऑन अन अकेडमी एंड इट हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम 15 जून ऑनवर्ड्स। सो यू कैन टेक प्लस सब्सक्रिप्शन बाई मैम्स रेफरल कोड वाणी मेहरा। शी विल प्रोवाइड यू हर पर्सनल मेंटरशिप एंड एज वेल एज शी विल हेल्प यू इन ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ योर प्रिपरेशन। आई एम प्रोवाइडिंग योर बेसिक्स एंड फॉर एडवांस लेवल कोर्स यू कैन रेफर हर कोड एंड डू योर UPSC प्रिपरेशन। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ रेफर द डिस्क्रिप्शन बॉक्स गिवन बिलो। अब हम इसी के साथ अपना स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ेंगे पोस्ट हरप्पन, वैदिक लेटर वैदिक एंड अर्ली एम्पायर्स के बारे में। तो आप सोच होंगे इतने सारे टॉपिक्स कैसे कवर होंगे। हम पूरा डिटेल नहीं कवर करेंगे इनके बारे में क्योंकि हमें मेन टॉपिक्स पढ़ने हैं। उसी के साथ हम एक लिंकेज प्रोवाइड कर रहे हैं बेसिक्स का, ताकि जिसने नहीं पढ़ा हुआ है उसे अच्छे से समझ में आ जाए। हम ऐसे इस साथ शुरू करते हैं। हरप्पन सिविलाइजेशन के बाद बहुत सारे चेंजेस हुए, जैसे उसमें वैदिक एज आई, फिर लेटर वैदिक आई, फिर जनपद बने, फिर महाजनपद बने। एंड इसमें मैंने रेफरेंस दिया है 4 युग के बारे में क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन देखा था, UPSC का था, बहुत साल पुराना था खैर, लेकिन हमें इसे छोड़ना नहीं चाहिए। कि पहला युग था क्रोनोलॉजी में कृत युग, जिसे सतयुग भी बोलते हैं, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग जो कि अभी चल रहा हुआ है। फिर फोर जो वेद है उनका कंपोजिशन, मतलब वैदिक में आप ऋग्वेद को मेन मानेंगे, उसमें क्या होता है, ओल्डेस्ट वेद है ये। ये कंपोज हुआ था 3500 ईयर्स अगो पहले, और मोर देन 1000 सूक्त इसमें प्रेजेंट हैं। इसमें ऐसे गॉड के बारे में, ऐसे गॉड की प्रेसेस हैं जैसे कि अग्नि हो गए, इंद्र हैं, सोम हैं, ठीक है। फिर इट वॉज कम्पोज इन संस्कृत लैंग्वेज विच इज़ अ पार्ट ऑफ इंडो यूरोपियन फैमिली। वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ फैमिली हेयर? फैमिली refers to the common word origin, as Sanskrit, Greek, Spanish, Italian, German, they all have the common word origin. That is why they are the part of Indo-European languages. The Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, they are all the parts of Dravidian families, whereas Jharkhand or jo central India mein language boli jati hai, they are the part of Austroasiatic families. And Charak ne kya likha tha, yahan pe maine reference diya, Charak ne likhi thi book Charak Samhita। कभी कभी आपको बुक्स और ऑथर्स के नाम मैच करने में जाते हैं, दिव्य जाएगा इंडिका, मेगास्थनीस का नाम, चरक, चरक संहिता है ना, वो विशाख दत्त की है ना, ऐसे बहुत सारी मतलब दी जाती हैं, तो उनको मैच भी करना पड़ता है, करेक्ट ऑर्डर बताना पड़ता है। तो उनमें भी आप ध्यान से देखिए किसने क्या बनाया क्या नहीं। तो हॉर्सेज वर यूज इन बैटल्स, हॉर्सेज यूज होते थे बैटल में, किस किस चीज़ के लिए बैटल होते थे, लैंड के लिए, वाटर के लिए, और कैप्चर करने के लिए लोगों को। एंड देयर वर नो रेगुलर आर्मीज, हियर पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट उस समय कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती थी वैदिक एज में। शुरू में वर्ण में डिवाइड हो गए थे लोग, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, लेकिन एक हेरिडिटी नहीं था कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण रहेगा, अकॉर्डिंग टू कर्म ये डिवाइडेड था, फिर बाद में ये अकॉर्डिंग टू बर्थ डिसाइडेड हो गया था। तो मेगालिथ क्या होते थे, बड़े बड़े स्टोन्स होते थे, बिग स्टोन्स मार्किंग ब्यूरियल्स, ब्यूरियल्स को मार्क करने के लिए होते थे, उनके ऊपर स्टोन्स का एक सराउंड कर दिया जाता था जहाँ पर भी उन लोगों को बरी किया जाता था। ये कहाँ फाउंड हुए, डेक्कन में, साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। डेड को बरी किया जाता था ब्लैक रेड वेयर के साथ। इमाम गांव का वर्णन दिया हुआ है NCERT में, इट इज़ सिचुएटेड बाई साइड द रिवर, अराउंग द रिवर गोड विच इज़ ट्रिब्यूटरी ऑफ भीम। एंड हेयर देर वॉज सम स्पेशल थिंग्स अबाउट द ब्यूरियल्स, सामान तो इनके साथ डालते ही थे ब्यूरियल्स में, पॉट्स वगैरह, साथ ही साथ यहाँ पर जो डेड होते थे उनका जो हेड होता था वो नॉर्थ के तरफ पाया गया। ये देखिए, ये मेगालिथ मैंने दिखा दिया आपको। अब बात करते हैं हाउस ऑफ मैन बिकेम रूलर। अब मैन रूलर कैसे बने, अभी तक तो रूलर नहीं थे वो, सिर्फ कुछ चीज़ें मतलब परफॉर्म करते थे, आर्मी भी नहीं मेंटेन करते थे। तो कैसे ये रूलर बने, बिकॉज दे स्टार्टेड परफॉर्मिंग सेक्रीफाइसेस एंड अश्वमेध वॉज देयर। अश्वमेध क्या होता है, अपने घोड़े को छोड़ देते थे वेंडर करने के लिए। अगर किसी दूसरे ने जो घोड़े को पकड़ लिया मतलब उनको युद्ध करना होगा, और अगर किसी ने अपने राज्य में पर्टिकुलर एरिया में घूमने दिया, इसका मतलब जो जिसका घोड़ा है वो सुपीरियर हो गया और वो अब सेक्रीफाइस परफॉर्म करेगा। जनपद क्या होते थे, ऐसी जगह होती थी जहाँ पे जन यानी कि लोगों ने अपना फुट सेट कर लिया या वहाँ सेटल हो गए हैं, और दे राजा जो होते थे जनपद के, दे यूज टू परफॉर्म सेक्रीफाइसेस। पूरी लाइफस्टाइल जो है वो रूरल हो गई, रूरल बेस पे हो गई, ठीक है। अब जो महाजनपद थे वो क्या थे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जनपद थे उन्हें महाजनपद कहा गया, ठीक है। ये कब इमर्ज हुए,
बिफोर 2500 ईयर्स, ठीक है। अब ये महाजनपद जो होते थे इनमें कैपिटल रहती थी, कैपिटल सिटी, और ये फोर्टिफाइड होते थे चारों तरफ से, मतलब वॉल्स ऐसे बनी रहती थी। इनके सोल्जर्स को पे किया जाता था, तो आर्मी मेंटेन हो गई, सोल्जर हो गए, इनको पे करने के लिए, वो रिसोर्स देने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए क्या करेंगे, ये लोग रेगुलर बेस पे टैक्स कलेक्ट करने लगे। अब टैक्सेशन की भी कुछ पर्टिकुलर चीज़ें थी, कैसी, जो फार्मर का प्रोड्यूस होता था उसका 1/6 भाग वो लोग रख लिया करते थे, और क्राफ्ट पर्सन से उनके फॉर्म ऑफ लेबर में लिया करते थे टैक्स, हर्डर्स से एनिमल प्रोड्यूस लिया करते थे, और हंटर गैदरर्स से फॉरेस्ट प्रोड्यूस लिया करते थे। एग्रीकल्चर डेवलप हुआ क्योंकि आयरन की डिस्कवरी हो गई थी उस समय तक, ठीक है, ट्रांसप्लांटिंग हो गया है ना, अच्छे तरीके से एग्रीकल्चर प्रोसेस शुरू हो गया। अब यहाँ दो इंपॉर्टेंट किंगडम के बारे में दिया है, मगध और वज्जी। मगध जो था बहुत इंपॉर्टेंट किंगडम था, गंगा और सोन नदी यहाँ से बहती थी, इसी कारण यहाँ ट्रांसपोर्टेशन अच्छा था, वाटर सप्लाई थी, और लैंड की फर्टिलिटी भी थी, ठीक है। यहाँ पे एनिमल्स भी पाए जाते थे, एलिफेंट वगैरह, युद्ध वगैरह के लिए आर्मी यहाँ पे अच्छे से छुप के स्क्रूटिनाइज कर सकती थी लोगों को, ठीक है, ज़्यादातर जंगल में ही होता है ये सब काम। उसके बाद रूलर्स यहाँ पे बहुत अच्छे थे, जैसे कि मतलब बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस थे, जैसे बिंबिसार, अजात शत्रु। पहले इसका कैपिटल था राजगृह जो कि बिहार में था, बाद में ये पाटलिपुत्र शिफ्ट हो गया। अब बुद्ध की बात करते हैं, तो जनों और संघ यहाँ, मतलब मैंने बताया वज्जी में जनों संघ थे, तो जनों संघ जो होते थे यहीं से बुद्ध और महावीर बिलोंग करते थे। तो जो बुद्ध थे वो शाक्यजन के थे, ही वॉज क्षत्रिय एंड ही गॉट एनलाइटमेंट इन बोधगया, एट बोधगया ही टॉट मैनी प्रीचिंग्स एंड फर्स्ट टाइम ही टॉट एट सारनाथ। हेयर उपनिषद वर्ड मीन्स अप्रोचिंग और सिटिंग नियर, और इनको थिंकर्स जो थे वो लिखते थे अधिकतर, तो ज़्यादातर मैन हुआ करते थे, जैसे शंकराचार्य, और कुछ चीज़ें वुमेन ने भी लिखी हैं, जैसे गार्गी यहाँ पे दिए हुए हैं। सो अब जैनिज्म के बारे में बात करें तो हम पाएंगे कि 24th तीर्थांकर जो थे वो महावीर थे, ही वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस ऑफ लच्छवी, और वज्जी संघ से बिलोंग करते थे। वज्जी संघ क्या है, एक एसोसिएशन है। अब यहाँ पे एक बुक का वर्णन दिया है, विनय पिटक, क्योंकि बुद्धिज्म में तीन बुक होती है, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक में क्या दिया हुआ है, रूल मेड ऑफ बुद्धिस्ट संघ रिटन है उसमें, ठीक है। मौर्यन एम्पायर की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है, उनके गुरु चाणक्य थे जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखी है, जिनको कौटिल्य भी कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे बिंदुसार, ठीक है, और चंद्रगुप्त को सरेंडर क्रोटस भी बोलते थे, ऐसे कुछ नाम है उनका, सॉरी आई एम नॉट एबल टू रिमाइंड। और अशोक जो थे उन्हें प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय बोलते थे, वो भी बहुत ग्रेटेस्ट रूलर थे इंडियन हिस्ट्री के, और उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सिखाई, अभी हम पढ़ेंगे इनके बारे में आगे। अब एम्पायर बिल्ड होने लगे जिसमें एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, वेल्थ वॉज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस फॉर क्राफ्ट वॉज देयर, कैसे फाइंड हुआ, नॉर्थन ब्लैक वेयर पॉलिश्ड, नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मिले, ठीक है। स्टोरी ऑफ सिल्क रूट भी है, मतलब ट्रेड होने लगा सिल्क रूट से, ठीक है, ये 2000 साल पहले ये कंट्रोल की जाती थी कुशांस के द्वारा। ऐसे स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म हुआ उसी समय क्योंकि जो कुशान किंग थे कनिष्क, उन्होंने ऑर्गेनाइज की बुद्धिस्ट काउंसिल, महायान बुद्धिज्म में डेवलप हुआ इसी टाइम पे, और श्रीलंका म्यांमार जैसे थाईलैंड जैसे देशों में इसका प्रचार हुआ। उसी के साथ साथ बहुत सारे पिलग्रिम्स आए जो थे फायान, ज्वेनजांग और आइकिंग, ठीक है। भक्ति शुरू हो गई, शिव विष्णु दुर्गा ऐसे गॉडेस के लिए डिवोशन हो गया, मतलब भक्ति मतलब डिवोशन होता है, लोगों की इनकी पूजा होने लगी। आफ्टर दैट ट्रेड प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, ट्रेड होने लगा साउथ इंडिया से गोल्ड में, पेपर में, प्रिश स्टोन के लिए, और पेपर को मतलब ब्लैक गोल्ड बोलते थे कौन, रोमन पीपल, इसीलिए यवन प्रिय वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पे। तो चोल, चेर, पांड्या ऐसे पावरफुल रूलर्स जो हैं, ऐसे पावरफुल सरदार चीफ जो हैं वो साउथ इंडिया में रूल करने लगे आज से 2300 साल पहले। मैनी पोएट्स कंपोजिशन वर फाउंड इन संगम कलेक्शन। संगम कलेक्शन वो कलेक्शन है जिसमें बहुत सारे ये इनके जो राज्य हैं इनके पर्टिकुलर टाइम पीरियड का वर्णन भी दिया हुआ है पोएम, तो उनको भी अवार्ड किया जाता था जो इस पे पोएट हुआ करते थे संगम कलेक्शन, संगम एरा के, संगम एज के, ठीक है। अब 2000 है, यहाँ पे 200 लिख दिया मैंने, इससे 2000 साल पहले सत्वानास जी पावरफुल हो गए, ये भी इंपॉर्टेंट रूलर इनके थे, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, ओके। न्यू एम्पायर्स डेवलप हुए, गुप्ता डायनेस्टी, वर्धन डायनेस्टी जिसमें कि हर्षवर्धन बहुत ग्रेटेस्ट रूलर थे, उसके डिक्लाइन ऑफ सतवाहनास हो गया जब चालुक्य और पल्लव आए, ठीक है। अब बात करते हैं हम किंग्स, फार्मर, टाउन्स, ये हमारा सेकेंड थीम है, इनकी अर्ली स्टेट्स के बारे में, उनकी इकॉनमीज के बारे में। ये बात होगी सिर्का 600 BCE से सिर्का 600 CE यानी कि AD तक, ठीक है। तो ये तीन चैप्टर्स में पूरे जो आगे की थीम्स हैं वो इन्हीं पे बेस्ड हैं, इसी टाइमलाइन पे बेस्ड हैं। तो इस टाइम पे क्या हुआ, सेवरल डेवलपमेंट प्लेस हुए,
बिकॉज 1500 ईयर्स के बीच में यहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट हुए सब कॉन्टिनेंट में. ये बहुत ही लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम था हरप्पन के एंड होने के बाद, हरप्पन सिविलाइजेशन एंड होने के बाद. दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड ड्यूरिंग विच ऋग्वेद वॉज कम्पोज. इसी पीरियड पर ऋग्वेद कम्पोज हुआ किसके द्वारा? वो लोग जो इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं उसके किनारे रहते थे. तो उसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं, आप उसका नाम मुझे लिख के दिखाएंगे इंडस की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं कमेंट बॉक्स में, अगर आप जानते हैं तो. एग्रीकल्चर सेटलमेंट होने लगी, इमर्ज होने लगी और सब कॉन्टिनेंट्स में और इंक्लूडिंग नॉर्थ इंडिया, डेक्कन प्लेट्यू, पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, ठीक है. इसके अलावा देयर वर एविडेंसेस ऑफ पेस्टोरल पॉपुलेशन, आई सेड रूरल लाइफ बिगिन हो गई यहाँ से हरप्पन टाइम पे जो अर्बन लाइफ स्टाइल थी. अब यहाँ पे क्या हो गया, न्यू मोड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ डेड, डेड का न्यू मोड और डिस्पोजल होने लगा. कैसे डेड को डिस्पोज करना है, डेड बॉडी को, मेगालिथ वगैरह बनने लगे, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर वगैरह बनने लगे मेगालिथ के. कहाँ कहाँ इमर्ज हुए थे मैंने पहले ही बता दिया है, सेंट्रल साउथ इंडिया, सेंट्रल एंड साउथ इंडिया फ्रॉम द फर्स्ट मिलेनियम BC, ठीक है. और डेड को बरी किया जाता था आयरन टूल्स के साथ भी, ठीक है. साथ ही साथ सिक्स सेंचुरी BCE में एविडेंस पाए गए अलग अलग ट्रेंड्स के. परहैप्स जो सबसे रिमार्केबल और सबसे विजिबल चेंज था वो ये था कि उसी समय पे बहुत बड़ी बड़ी अर्ली स्टेट्स डेवलप हुए, एम्पायर्स और किंगडम का इमरजेंसी यानी कि इमर्ज हुए वो नए रूप से. अब क्या हुआ, अंडरलाइन दिस पॉलिटिकल प्रोसेस व अदर चेंजेस एविडेंट इन दिस इन द वे इन विच एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वॉज ऑर्गेनाइज. इस टाइम पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो ऑर्गेनाइज वे में होने लगा, जब पहले ऑर्गेनाइज नहीं होता था. न्यू टाउन्स डेवलप हो गए, ठीक है. हिस्टोरियंस इस अटेम्प्ट को मतलब इनको डेवलप करते हैं और ड्रॉ करते हैं किससे, किसकी हेल्प से, इंस्क्रिप्शंस की हेल्प से, टेक्स्ट की हेल्प से, कॉइन्स की हेल्प से, और जो विजुअल मटेरियल प्राप्त हुआ उसके वजह से, उसके मतलब रेफरेंस लेके हिस्टोरियंस जो हैं वो इस हिस्ट्री को ड्रॉ करते हैं. अब बात यहाँ पे हम करते हैं प्रिंसेप्स एंड प्रियदर्शीज के बारे में. तो प्रिंसेप कौन है, हेयर प्रिंसेप जो वर्ड है वो रेफर किया गया है जेम्स प्रिंसेप के लिए, ठीक है. तो मोस्ट मोमेंटस जो डेवलपमेंट है इंडियन एपिग्राफी में वो प्लेस लिए, दिस वॉज वेन जेम्स प्रिंसेप एन ऑफिसर इन द मिंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी डेसीफर्ड ब्रह्मियन खरोज थे. बहुत सारे पहले जो डेवलपमेंट हुए इंडियन एपिग्राफी में कब, 1830s में. मतलब कि एपिग्राफी वो स्टडी होती है जो इंस्क्रिप्शन की स्टडी होती है. देखिए अशोकन इंस्क्रिप्शन एंड अशोकन एडिक्ट्स हैं ये, ठीक है. तो ये जो जेम्स प्रिंसेप हैं ये ईस्ट इंडिया कंपनी में ऑफिसर थे. इन्होंने क्या किया, डेसीफर किया, खोज निकाला ब्रह्मी और खरोष्ठी स्क्रिप्ट. टू स्क्रिप्ट जो कि अर्ली इंस्क्रिप्शन में यूज़ होती थी वो थी ब्रह्मी और खरोष्ठी, ऐसा इनने निकाल लिया, ढूंढ निकाला. उन्होंने ये देखा कि जो इंस्क्रिप्शन थे उनमें मेंशन था किसी ऐसे किंग के बारे में जिसे प्रियदर्शी रेफर किया गया. बाद में ये मतलब प्रियदर्शी जो वर्ड है पता चला कि अशोक के लिए ही रेफर किया गया है. इसका मतलब होता है प्लीजेंट टू बिहोल्ड, बिहोल्ड मतलब होता है देखना. तो जो देखने में प्लीजेंट लगे उसे कहते हैं प्रियदर्शी. तो वहाँ फ्यू इंस्क्रिप्शन मिले वो जिसने अशोक किंग को भी रेफ़र किया, ठीक है. वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर नोन फ्रॉम बुद्धिस्ट टेक्स्ट. ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट से पता चलता है कि बहुत फेमस रूलर थे कौन, किंग अशोक, ठीक है. ये एक नया डायरेक्शन दे दिया इन्वेस्टिगेशन का अर्ली इंडियन पॉलिटी के वो, ठीक है. इंडियन स्कॉलर्स थे वो इंस्क्रिप्शन दे यूज इंस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट कंपोज्ड इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस टू रिकंस्ट्रक्ट एंड लाइनेज ऑफ मेजर डायनेस्टी को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए उन्होंने इंस्क्रिप्शन वगैरह का यूज़ किया. किसने, इंडियन स्कॉलर्स ने. क्योंकि अब कोई सोर्स तो रेफर कर नहीं सकते दूसरा, क्योंकि अगर हमको कुछ चीज़ का फाइंड करना है तो वहाँ पे जो अवेलेबल सोर्सेज हैं या कभी कोई चीज़ हमको मिलती है तो हम उसी को रेफ़र करेंगे ना कि हाँ पहले के ज़माने में ये चीज़ें यूज़ होती थी. तो हो सकता है कि ऐसा होता रहो. तो मतलब पुरानी इंस्क्रिप्शन टेक्स्ट जो थे, कॉइन्स जो थे, उनसे इन लोगों ने डायनेस्टीज़ को एक आउटलाइन प्रोवाइड करवा दी. ये इंस्क्रिप्शन के बारे में लिखे हुए आप पढ़ लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसको समझाना, ठीक है. मगर एक बार देख लीजिएगा कि ये हार्ड सरफेस में लिखे जाते थे और यहाँ पे ऑर्डर्स वगैरह जनरली किंग्स के विक्ट्रीज के बारे में लिखा जाता था. सब्सिक्वेंटली स्कॉलर्स बिगिन टू शिफ्ट देयर फोकस ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री, इन्वेस्टिगेटिंग वेदर देयर वॉज कनेक्शन बिटवीन पॉलिटिकल चेंजेस. देखो अब वो लोग इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिए कि क्या कोई कनेक्शन था कि पॉलिटिकल चेंजेस इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में उस पर्टिकुलर टाइम की जो बीत चुका है और वो हिस्ट्री बन गया है आज. मगर इन पॉइंट्स को लिंक करने में कभी कभी बहुत डिफिकल्टी आती है क्योंकि इनको लिंक करना बहुत सिंपल नहीं होता था. अब आप ही सोचो आपको चार चीज़ें पकड़ा दी जाएँ कि अब आप बताओ कि कौन सा चीज़ क्या है और कब को बिलोंग करता है. तो
अगर आप उस चीज़ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं तो आप कुछ कंसिडर कर लेंगे पास्ट, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आपको बहुत मुश्किल होगा या इनडायरेक्ट वे में आप कंसिडर कर पाएंगे। एक सिंपल नहीं होता किसी चीज़ से किसी पर्टिकुलर टाइम और वहाँ पे रहने वाले लोग और सोसाइटी के बारे में पता लगाना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, एंड वी विल लर्न अबाउट 16 महाजनपद। देयर वर 16 महाजनपद, दीज आर लिस्टेड हेयर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर मगध, वज्जी, पांचाल, कोसाल, गांधार, अवंती, कुरु, ये सब वत्स, ये सब इम्पॉर्टेंट थे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अर्लीस्ट स्टेट्स की। 16 महाजनपद से द 6th century BC ऑफन रिगार्डेड एज द मेजर टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री। अर्ली इंडियन हिस्ट्री में 6th century BC है उसको बहुत ही ज़्यादा बड़ा टर्निंग पॉइंट माना गया। क्यों? क्योंकि ऐसा एरा था जिस जो एसोसिएटेड था अर्ली स्टेट से, सिटीज़ से, ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन से, वहाँ पे डेवलपमेंट होने लगी कॉइन की, ठीक है। इसने ग्रोथ को विटनेस किया, ये गवाह था ग्रोथ का जो डाइवर्स सिस्टम की थी, इंक्लूडिंग बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की जो ग्रोथ हुई उस पर्टिकुलर पीरियड में, उनको भी इसने विटनेस किया। अर्ली बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट में मेंशन है कुछ अदर थिंग्स के बारे में। अर्ली बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट मेंशन अमंग्स अदर थिंग्स 16 स्टेट्स नोन एज महाजनपद। इनमें महाजनपद का वर्णन है अर्ली जैन और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में। ऑल दो द लिस्ट वेरी करती है दोनों में, बुद्धिज्म और जैनिज्म में, मगर कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते थे, जैसे कि मगध, वज्जी, मैंने पहले बता दिया आपको, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, और ये सब तो आप जानते ही हैं बाकी। तो वाइल मोस्ट महाजनपद वर रूल बाय किंग, बहुत सारे जनपद जो महाजनपद होते थे वो किंग के द्वारा रूल किए जाते थे, मगर जो कुछ होते थे वो जन और संघ के द्वारा, वर ऑलिगार्कीज, मतलब ऑलिगार्कीज यानी ऐसे जो मैन, जो नंबर ऑफ मैन से मैन के द्वारा रूल किए जाते हैं और वहाँ पर पावर शेयर होती हो, वेयर पावर वॉज शेयर बाय अ नंबर ऑफ मैन कलेक्टिवली कॉल्ड राजाज। बोध महावीर और जो बुद्ध थे वो जन और संघ से बिलोंग करते थे। वज्जी संघ के केस में अगर कहा जाए तो राजा जो था वो प्रोबेबली रिसोर्सेज सच एज लैंड को, लैंड कलेक्टिविटी, मतलब वो कंट्रोल करता था रिसोर्सेज को भी, जैसे कि लैंड कलेक्टिविटी, कलेक्टिवली सॉरी, ठीक है। तो वज्जी संघ से कौन बिलोंग करता था? महावीर बिलोंग करते थे, भी मैंने पहले बता दिया है आपको। ऑल दो दियर हिस्ट्री आर ऑफन डिफिकल्ट, इनकी हिस्ट्री डिफिकल्ट है रिकन्स्ट्रक्ट करना क्योंकि इतने सोर्स नहीं हैं, बहुत कम सोर्सेज से इनकी हिस्ट्री को अपन ने आउटलाइन बनाया है, ठीक है इसकी, लेकिन लैक ऑफ रिसोर्सेज के कारण ये बहुत डिफिकल्ट हो गया इनको रिकन्स्ट्रक्ट करना। रिकन्स्ट्रक्ट क्या होता है? पहले से तो कंस्ट्रक्ट हो चुके थे ये पर्टिकुलर महाजनपद, रिकन्स्ट्रक्ट करने हम फिर इनके बारे में पढ़ रहे हैं ना, इनका रिकन्स्ट्रक्शन कर रहे हैं कि कैसे थे क्या। ईच महाजनपद जो है थे उनकी एक कैपिटल सिटी हुआ करती थी जो कि फोर्टिफाइड थी, मैंने बताया फोर्टिफाइड थी यानी कि चारों तरफ से वॉल्स वगैरह रहती थी उनमें, मेंटेनिंग दिस फोर्टिफाइड सिटी, ठीक है। इनको मेंटेन करने के लिए प्रॉपर आर्मी, इनको मोटी मेंटेन करने के लिए प्रॉपरली रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती थी, मैंने कहा था ना, तो ये लोग टैक्स वगैरह भी मतलब लेते थे, ठीक है। मेंटेनिंग दिस फोर्टिफाइड सिटीज़ एज वेल एज प्रोवाइडिंग फॉर इंसिपिएंट आर्मीज एंड ब्यूरोक्रेसी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, ठीक है। फ्रॉम, अब देखिए फिर से ये मैप आ गया, इसमें कभी कभी कैसे क्वेश्चन पूछता है UPSC कि नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, वेस्ट से ईस्ट, ईस्ट से वेस्ट, साउथ से नॉर्थ, आपको इनको क्रोनोलॉजी में लगाना है, तो आप ये ध्यान से देखिए कौन सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो 6th century BC से क्या होने लगा, ब्राह्मण कंपोज करने लगे संस्कृत टेक्स्ट जिसे कहते हैं धर्मसूत्र, ठीक है। दीज लेड डाउन, ये इनमें क्या होते थे, रूलर्स के लिए कुछ नॉर्म्स होते थे, रूल्स होते थे कि आप ये फॉलो करो, जो आइडियली एक्सपेक्टेड टू बी क्षत्रिय। रूलर्स कौन होते थे? आइडियली एक्सपेक्टेड टू बी क्षत्रिय लोग होते थे, ठीक है। रूलर वर एडवाइज टू कलेक्ट टैक्स, टैक्स कलेक्ट करने के लिए इनको एडवाइस किया जाता था, ट्रिब्यूट फ्रॉम कल्टीवेटर्स, ठीक है, ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस, जो मैंने बताया था किस रूप में वो लोग टैक्स कलेक्ट करते थे, कितना कितना कलेक्ट करते थे, ठीक है। वर रिसोर्सेज ऑल्सो प्रोक्योर्ड फ्रॉम पेस्टोरलिस्ट एंड फॉरेस्ट पीपल, मतलब क्या फॉरेस्ट के लोगों से और पेस्टोरलिस्ट जो लोग थे, मतलब गाँव के जो लोग थे, उनसे भी क्या ये लोग कलेक्ट करते थे, प्रोक्योर करते थे रिसोर्सेज? हाँ ज़रूर करते थे, हमने पहले ही देखा है कि जो हंटर्स गैदरर्स थे उनसे वो लोग अपना फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदर करते थे, राजा लोग मांगते थे, ठीक है, और फार्मर्स से उनके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मांगते थे 1/6, तो ऐसे मतलब वो लोग करते थे यूज़ इन चीज़ का, ठीक है। अब वॉट वी डू नो इज़ दैट, हमें क्या जाना है ये कि जो रेड ऑन नेबरिंग स्टेट्स वर रीऑर्गेनाइज एज अ लेजिटिमेट मीन्स ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ, वेल्थ एक्वायर करने के लिए नेबरिंग स्टेट्स में मतलब लेजिटिमेट माना जाता था रेड डालना, ठीक है।
तो कुछ स्टेट में मतलब स्टैंडिंग आर्मीज़ हो गई जो कि रेगुलरली मेंटेन होने लगी, ब्यूरोक्रेसीज होने लगी, नौकरशाही, ठीक है. अदर कंटिन्यू टू बी डिपेंड ऑन मिलिशिया. मिलिशिया रिक्वायर्ड मोर ऑफन देन नॉट फ्रॉम द पीजेंट्री. कुछ चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन एक ओवरव्यू, एक आइडिया और एक कहानी के रूप में पढ़ने के लिए, याद रखने के लिए हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है. फर्स्ट अमंग 16 वॉज मगध. पहले मगध के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है. बिटवीन 6th and 4th century BC मगध बिकेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद. इतने टाइम पीरियड के बीच में मगध बहुत ही इंपॉर्टेंट महाजनपद बन गया. मॉडर्न जो हिस्टोरियंस हैं इसको एक्सप्लेन करते हैं अलग अलग तरीके से. जो मगध था वो एग्रीकल्चर मतलब उसमें बहुत अच्छा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता था, ठीक है, प्रोडक्टिव था, ठीक है. आयरन माइंस, इसके अलावा वहाँ पे आयरन माइंस हुआ करती थी जो प्रेजेंट डे झारखंड में है, जो एसेसिबल होती थी और रिसोर्स प्रोवाइड करती थी टूल्स और वेपन्स बनाने के लिए, ठीक है. एलिफेंट जो कि वहाँ पे जंगलों से मिल जाते थे तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट थे आर्मी के लिए, ठीक है. और गंगा ट्रिब्यूटरी जो थी वो प्रोवाइड करती थी अचीप कन्वीनियंट कम्युनिकेशन, जैसे कि रिवराइन रूट से, ठीक है. हाउएवर अर्ली बुद्धिस्ट एंड जैन राइटर्स हु रोट अबाउट इंडिविजुअल रूटलेस, देखो ऑलरेडी बुद्धिस्ट और जैन राइटर्स जो थे उन्होंने कुछ रूथलेस और एम्बिशियस किंग के बारे में भी बताया है, जो थे बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मा नंद. ये बेस्ट नोन थे और ये इनकी जो पॉलिसीज होती थी इनके मिनिस्टर्स द्वारा इंप्लीमेंट की जाती थी. इनिशियली जो कैपिटल था वो राजगृह या राजगढ़ जो प्रेजेंट डे पे है प्रकृत नेम है इसका, तो वो जो था मगध का वो कैपिटल हुआ करता था. इसका मतलब होता था हाउस ऑफ द किंग. पर बाद में जो कैपिटल था 4th century BC में ये कहाँ पे हो गया, पाटलिपुत्र में, जो प्रेजेंट डे पटना होता है. तो यहाँ पे बगल में दिया हुआ है लेफ्ट साइड पे कि लैंग्वेज जो स्क्रिप्ट होती थी वो अशोकन जो स्क्रिप्ट होती थी मोस्टली प्राकृत लैंग्वेज में लिखी जाती थी और ये लैंग्वेज के बारे में दिया हुआ है खरोष्ठी और ये सब, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा. तो द ग्रोथ ऑफ मगध कल्मिनेटेड इन द एमर्जेंस ऑफ मौर्यन एम्पायर. चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडेड द एम्पायर. चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, एक्सटेंड किया अपना कंट्रोल कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट में, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान. और उनके जो ग्रैंडसन थे अशोक, उन्होंने वो भी बहुत फेमस रूलर थे अर्ली इंडिया के, और उन्होंने कलिंग को कॉन्क्वर्ट किया. कलिंग क्या है, कोस्टल रीजन्स ऑफ ओरिसा, जो ये ओरिसा का यहाँ पे बे ऑफ बंगाल साइड जो कोस्टल एरिया है उसको कैप्चर किया. और अशोक जो थे मतलब वो शायद अलेक्जेंडर के बाद, मतलब कहा जाता है कि अगर उन्होंने बुद्धिज़्म नहीं अपनाया होता तो पूरी दुनिया जीत लेते, उनका बहुत बड़ा एम्पायर था, ठीक है. अब फाइंडिंग आउट अबाउट मौर्य, मौर्य के बारे में कैसे पता चलता है, तो हिस्टोरियंस यूज़ करते हैं बहुत वाइड वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए. हम तीन चार स्लाइड से यही पढ़ रहे हैं. इनके इनमें कुछ होती हैं जो आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स होते हैं, जो उनको कुछ चीज़ें मिली, स्कल्पचर मिले, ठीक है, कंटेम्प्रेरी वर्क. और दूसरे होते हैं कि कंटेम्प्रेरी वर्क होते हैं उस समय जो मेगास्थेनिस के इंडिका था उसका, उसमें जो अकाउंट दिया हुआ था, वो एम्बेसडर थे मेगास्थेनिस कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त में, ठीक है, चंद्रगुप्त के कोर्ट में वो मेगास्थेनिस जो थे एम्बेसडर थे, उनके कुछ मतलब ने मेंशन किया है इनके बारे में. अब अर्थशास्त्र दूसरा हमारे पास रिसोर्स है जो कौटिल्य ने, चाणक्य ने लिखा था, ठीक है. ट्रेडिशनली ये बिलीव किया जाता है, बिलीव टू बी द मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त, इन्हें बिलीव किया जाता है कि ये मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त के. बिसाइड्स इसके अलावा मौर्य आर मेंशन, मौर्य किसने मेंशन है, लेटर बुद्धिस्ट जैन और पौराणिक लिटरेचर में एज वेल एज इन संस्कृत लिटरेरी वर्क में भी इनका मेंशन है. किसका, मौर्यन एम्पायर का, मौर्यन जो एम्पायर था उसका, ठीक है. वेल दीज आर यूजफुल इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक, मतलब अब इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक भी इसके वो हैं जो उन्हें रॉक एडिक्ट्स थे दिए हैं, पिलर्स हैं उनके, उन्हें भी वैल्यूएबल रिसोर्स माना जाता है. तो अशोक जो थे वो फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने इंस्क्राइब किया अपना मैसेज, ठीक है, टू हिज सब्जेक्ट एंड ऑफिशियल ऑन स्टोन सर्फेस रेगुलरली, जो रेगुलर नेचुरल रॉक्स में, ठीक है, एज वेल एज पॉलिश्ड पिलर्स में. और उन्होंने इंस्क्रिप्शन में वही लिखा जो वो समझते थे धर्म का मतलब है, जो भी वो समझते थे धर्म का मतलब है वो उन्हें इंस्क्रिप करते थे. वो अपना मैसेज और वो कुछ ऑफिशियल अपॉइंट करते थे उन लोगों के लिए जो पढ़ नहीं पाते हैं, कि वो लोगों के लिए इस मैसेज को पढ़ें. तो उनमें क्या होता था, रिस्पेक्ट टूवर्ड्स एल्डर्स. अभी भी देखो जो चीज़ें पहले हम पढ़ चुके वही चीज़ें हम आज सिखा रहे हैं लोगों को, मगर आज इन्हीं चीज़ों में कमी आ रही है हमारे सोसाइटी में. तो उनमें क्या, रिस्पेक्ट फॉर टूवर्ड्स एल्डर्स है, जनरोसिटी टूवर्ड्स ब्राह्मण है ना, एंड दोज हु रिनाउंस्ड वर्ल्डली लाइफ, ट्रीटिंग स्लेव्स एंड सर्वेंट्स काइंडली, रिस्पेक्ट फॉर रिलीजन एंड ट्रेडिशन अदर देन वंस ओन, मतलब अपने रिलीजन के अलावा भी दूसरे रिलीजन का भी सम्मान करना.
अब ये उनका आर्किटेक्चर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ये स्तूप का आर्किटेक्चर। स्तूप मतलब मोस्टली लव का एक सिंबल भी माना जाता था कहीं कहीं, और माना जाता है कि जो ये सांची का स्तूप है विदिशा में है मध्य प्रदेश में, उसे वो उन्होंने अपनी वाइफ के याद में मतलब वाइफ के लिए बनवाया था, देवी जो उनकी वाइफ थी इनके लिए। ये मॉडर्न आर्किटेक्चर है, देखिए हम देख सकते हैं उनका एक वो भी जो हम ये कैपिटल देखेंगे अगर लाइन कैपिटल, ये देखिए नीचे जो एबिकस रहता है वो लोटस सॉरी एबिकस के नीचे, ये एबिकस है जो सर्कुलर दिख रहा है, इसमें बीच में जो अशोक चक्र है, ऊपर एनिमल सिंबल है, एनिमल कैपिटल है उनके स्टेट का, और सबसे नीचे इनके नीचे फ़ोटो नहीं आई इसमें, वो शाफ्ट रहता है, वो लोटस शेप का रहता है लगभग। अब एडमिनिस्ट्रिंग द एम्पायर, एम्पायर को एडमिनिस्टर कैसे करना है, तो 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स थे जिसमें जो कैपिटल था वो पाटलिपुत्र, और जो प्रोविंशियल सेंटर्स हुआ करते थे वो तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली, सुवर्णगिरी। तक्षशिला प्रेजेंट डे में पाकिस्तान में है, उज्जैनी हम जानते हैं मध्य प्रदेश में है, उज्जैन में अवंती है ना, वो तोसली जो है वो उड़ीसा में, और सुवर्णगिरी जो है वो कर्नाटका में। इनका मेंशन हुआ है अशोकन इंस्क्रिप्शन में, और अगर हम इनको एग्जामिन करें तो हम ये पता चलेगा कि वर्चुअली इनमें जो है सेम मैसेज एनग्रेव्ड है, सेम मैसेज दिया हुआ है एवरीवेयर, ठीक है। फ्रॉम द प्रेजेंट डे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान टू आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड उत्तरांचल इन इंडिया, उत्तरांचल मतलब वही उत्तराखंड, उत्तराखंड का पुराना नाम। कुड दिस वास्ट एम्पायर हैव हैड अ यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, क्या इन जो वास्ट एम्पायर है इसमें क्या एक ही सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफॉर्म पूरे यूनिफॉर्म रहा होगा, एक सा रहा होगा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम? तो हिस्टोरियंस इस बात को नकारते हैं और वो ये बताते हैं कि जो ये रीजन्स हैं उनमें बहुत ही डाइवर्सिटी, वो बहुत ही डाइवर्स तरह के हैं। तो कुछ ऐसे हैं जो ही अफगानिस्तान वाले इलाके जो हिली टेराइन एरिया में, और कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा। तो जब डाइवर्सिटी होगी तो ये माना जा सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो रहा होगा वो स्ट्रांग रहा होगा कुछ एरियाज़ में, इन एरियाज़ अराउंड द कैपिटल, जो कैपिटल के अराउंड में एरियाज़ होते थे और प्रोविंशियल सेंटर्स के, उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो रहा होगा वो स्ट्रांगेस्ट रहा होगा, ठीक है। लेकिन कई जगह में स्ट्रांगेस्ट कंट्रोल नहीं रह पाता क्योंकि उधर तक उनका ध्यान जो है वो जा ही नहीं पाता। या जैसे मान लो कि पर्टिकुलर कोई सेंटर है वो अपने आसपास की जगह में ज़्यादा ध्यान देगा, पर्टिकुलर उन जगह की जो बहुत दूर है या बहुत ही ऐसे इलाकों में जहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये इफ़ेक्ट तो करता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को। अब इन्हीं सेंटर में केयरफुली दी सेंटर पर केयरफुली चूजन इनको केयरफुली चूज किया जाता था। बोथ तक्षशिला एंड उज्जैनी बींग सिचुएटेड ऑन द इम्पॉर्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट, वाइल सुवर्णगिरी जो था वॉज पॉसिबली इम्पॉर्टेंट फॉर टैपिंग द गोल्ड माइंस ऑफ कर्नाटका। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन है, कहाँ पे क्या चीज़ था। मेजर रॉक एडिक्ट्स में देखो रेड कलर का ट्रायंगल मिल रहा है, कहाँ कहाँ पे, आप इसको देख लीजिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ सकता है। पिलर्स इंस्क्रिप्शन भी है, माइनर्स रॉक एडिक्ट भी है। अब हम इसी साथ आगे बढ़ते हैं। तो कम्युनिकेशन अलॉन्ग बोथ लैंड एंड रिवर एंड रूट वॉज वाइटल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एम्पायर। एम्पायर अपने एग्जिस्टेंस से बना रहे इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि कम्युनिकेशन बना रहे, कहाँ पे, लैंड और रिवराइन रूट दोनों में आपस में। और जर्नी जो होती थी, सफ़र जो होता था सेंटर से प्रोविंस तक, वो क्या होता था, वीक में या मंथ में पूरा होता था। तो दिस मीन्स इसका मतलब ये है कि अरेंजिंग फॉर प्रोविजन्स एज वेल एज प्रोटेक्शन फॉर दोज ओवर ऑन द मूव, उनके लिए प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करना था जो मूव पे थे, जाते थे, ठीक है, जर्नी पे। इट इज़ ऑब्वियस, ये ऑब्वियस था दैट द आर्मी वॉज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ एंश्योरिंग द लेटर। मेगास्थनीस मेंशन एंड अ कमेटी विथ 6 सब कमेटीज, एक कमेटी थी जिसकी 6 सब कमेटीज थी फॉर कोऑर्डिनेटिंग मिलिट्री एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने के लिए। जैसे कि क्या क्या, अब एक कमेटी तो सबको कोऑर्डिनेट नहीं कर सकती ना, हमारे यहाँ जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, हम पॉलिटी से रेफरेंस लेते हैं, तो सिर्फ सेंटर या एक मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री सबको तो कोऑर्डिनेट नहीं कर सकती ना, तो हमने एक्सटर्नल मिनिस्ट्री अलग बना दी, डिफेंस के लिए अलग बना दी, ठीक है। तो इतने बड़े वास्ट कंट्री को रूल करने के लिए या गवर्नेंस करने के लिए अलग अलग चीज़ों की, अलग अलग कमेटीज़, मिनिस्ट्रीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही उस समय पर भी अलग अलग कमेटीज़ की ज़रूरत पड़ी। क्या करने के लिए, ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजन, द थर्ड वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर फुट सोल्जर्स, फोर्थ फॉर हॉर्स, फिफ्थ फॉर चैरियट्स, सिक्स्थ फॉर एलिफेंट, इनको मेंटेन करने के लिए। द एक्टिविटीज़ ऑफ सेकेंड सब कमिटी वर रैदर वेरीड, अरेंजिंग फॉर बुलक कार्ट्स टू कैरी इक्विपमेंट्स, प्रोक्योरिंग फूड सोल्जर्स के लिए, फूडर एनिमल्स के लिए, एंड रिक्रूटिंग अपॉइंटमेंट होना चाहिए सर्वेंट्स का, आर्टिसंस टू लुक आफ्टर द सोल्जर्स।
अशोक ट्राइड टू होल्ड हिज एम्पायर, अशोक ने क्या किया, ट्राई किया अपना एम्पायर को होल्ड करने के लिए टुगेदर बाय प्रोपेगेटिंग धर्म. उसके प्रिंसिपल ऑफ विच एज वी हैव सीन वर सिंपली वर्चुअली यूनिवर्सली एप्लीकेबल. उनके जो प्रिंसिपल थे वर्चुअली और सार्वभौमिक तरीके से यानी यूनिवर्सली एप्लीकेबल थे. ठीक है, तो यहाँ पे उन्हीं के धर्म के बारे में दिया हुआ है. तो उसके लिए एक अलग पीपल अपॉइंट होता था, एक अलग ऑफिसर जिसको कहते थे धम्म महामात्य, महामात. ठीक है, हाउ इम्पोर्टेंट वॉज द एम्पायर, एम्पायर कैसा क्यों इम्पोर्टेंट था, कैसे इम्पोर्टेंट था. ठीक है, तो अब क्या होता था, व्हेन हिस्टोरियंस बिगन रिकंस्ट्रक्टिंग अर्ली इंडियन हिस्ट्री इन द 19th सेंचुरी द इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न एम्पायर वॉज रिगार्डेड एज द मेजर लैंडमार्क. जब हिस्टोरियन शुरू की है कंस्ट्रक्ट करना हिस्ट्री को, तो मॉडर्न एम्पायर जो था बहुत मेजर लैंडमार्क प्रूफ हुआ. इंडिया वॉज देन अंडर द, जब ये सब शुरू हुआ तो इंडिया जो था कॉलोनियल रूल के कंट्रोल में था. ठीक है, और पार्ट था ब्रिटिश एम्पायर का. ठीक है, ब्रिटिश इंडिया था उस समय. तो 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी इंडियन हिस्टोरियंस फाउंड द पॉसिबिलिटीज दैट देयर वर एन एम्पायर इन अर्ली इंडिया बोथ चैलेंजिंग एंड एक्साइटिंग. ऑल्सो सम ऑफ द आर्क्योलॉजिकल फाइंड एसोसिएटेड विद द मौर्यास इंक्लूड स्टोन स्कल्पचर वर कंसिडर्ड टू बी एग्जाम्पल ऑफ स्पेक्टेकुलर आर्ट टिपिकल ऑफ एम्पायर्स. तो हम ये मैंने कोई चीज़ बताना था कि हम अगर ऐसा सोच रहे हैं कि आर्ट एंड कल्चर अलग पढ़ेंगे, हिस्ट्री अलग पढ़ेंगे, तो ये बहुत गलत है. हमें टॉपिक्स को इंटीग्रेट करके पढ़ना है, हिस्ट्री को पॉलिटी से कनेक्ट करना है, पॉलिटी को इकोनॉमी से कनेक्ट करना है, और हिस्ट्री और पॉलिटी को और इकोनॉमी को तीनों को ज्योग्राफी से कनेक्ट करना है. ऐसे में हमारा कनेक्शन जो है वो एक अच्छा चीज़ साबित होगा, हमारी इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होगी, और हमसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमसे बन जाएगा. तो हम, मेरा तो ये मानना है कि आप साथ ही साथ पढ़ें इन सब चीज़ों को. ठीक है, तो इसमें यही दिया हुआ है कि कैसे मैनी ऑफ द हिस्टोरियंस फाउंड द मैसेज ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ दैट मोस्ट अदर रूलर्स, सजेस्टिंग दैट अशोक वॉज मोस्ट मोर पावरफुल एंड इंडस्ट्रियस एज ऑल्सो मोर हम्बल देन लेटर रूलर हु अडॉप्टेड द ग्रैंडियोज टाइटल्स. अशोक को कंपेयर किया गया है दूसरे रूलर से. अब ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है न्यू नो, क्योंकि ये इतने बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, इनको एक ही वीडियो में नहीं कवर किया जा सकता. इसलिए द नोशन ऑफ किंगशिप, किंगशिप के क्या प्रिंसिपल सिद्धांत होते थे. अब चीफ एंड द किंग ऑफ साउथ, अभी तो हमने पढ़ लिया नॉर्थन के बारे में, नॉर्थ ईस्ट के बारे में, नॉर्थ वेस्ट के बारे में. अब हम पढ़ेंगे साउथ में क्या था. ये देखिए साउथ की डायनेस्टी, मैंने यहाँ पर मैप दिया हुआ है संगम पीरियड का, जो कि चोल, पंड्या, चेरा इन सब के बारे में बताता है. तो जो न्यू किंगडम्स थे इमर्ज हुए डेक्कन में, फर्दर साउथ में, इंक्लूडिंग चीफडम्स यानी सरदारी जो होती थी चोल की, चेरा, पंड्या की, तमिलकम की, जो नेम दिया गया है तमिल कंट्रीज़ को, और उनके पार्ट्स जो है प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश में, केरला में और तमिलनाडु में, कुछ पार्ट्स जो हैं वो श्रीलंका में भी फाइंड हुए हैं. इसलिए अब हम देखते हैं कि चीफ और चीफडम्स, ये आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है. चीफ मतलब होता है सरदार, यहाँ पे सरदार कहा गया है इनके जो रूलर्स हैं उनको पर्टिकुलरली, और चीफडम्स मतलब होता है उनकी सरदारी. अब वी नो अबाउट द स्टेट्स फ्रॉम वैरायटी ऑफ सोर्सेज, अब उस स्टेट के बारे में पता है सोर्सेज के कारण. तो अर्ली तमिल संगम टेक्स्ट जो है वो उससे पोएम्स हैं जो डिस्क्राइब करती हैं चीफ्स के बारे में, चीफ यानी सरदार के बारे में, अलग अलग तरीके से, विच एक्वायर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स. तो मैनी चीफ एंड किंग्स इंक्लूडिंग सतवाहनास रूल ओवर पार्ट ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया 2nd century BC से सतवाहनास ने 2nd century AD तक यानी CE तक रूल किया है. एंड द शाक अ पीपल ऑफ सेंट्रल एशियन ओरिजिन हु एस्टेब्लिश्ड किंगडम इन नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट डिराइव्ड रेवेन्यूज फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड से ये रेवेन्यू डिराइव करते थे. देयर सोशल ओरिजिन वर ऑफन ऑब्सक्योर, बहुत ही वैरायटी था उसको मतलब उनके सोशल ओरिजिन में. बट वी विल सी इन द केस ऑफ सतवाहनास इन चैप्टर 3. अब चैप्टर 3 में सतवाहनास के बारे में होगा. अब डिवाइन किंग के बारे में पढ़ते हैं. डिवाइन किंग क्या होता है. वन मीन ऑफ क्लेमिंग हाई स्टेटस वॉज टू आइडेंटिफाई विद अ वैरायटी ऑफ डिटीज. दिस स्ट्रैटेजी वॉज बेस्ट एक्सैम्प्लीफाइड बाय कुशान. कुशान ने इस स्ट्रैटेजी को बताया क्या, अपने आप को मतलब एक भगवान टाइप का दिखाने का. 1st century BC से 1st century CE तक इनने रूल किया. इनका बहुत वास्ट किंगडम था, एक्सटेंड करता था सेंट्रल एशिया से नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक. और उनकी हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट किया गया इंस्क्रिप्शन और टेक्सुअल ट्रेडिशंस के नाम पर. जो नोशंस थे उनके किंगशिप के यानी प्रिंसिपल्स थे उनके, वो दे विश टू प्रोजेक्ट अ परहैप्स बेस्ट एविडेंस इन देयर कॉइन एंड स्कल्पचर. कोलोसल स्टैचूज जो हैं बनती थी कुशान रूलर की, वो बनवाते थे, इंस्टॉल करते थे श्राइन एट मट नियर, जो कि इंस्टॉल्ड है, फाउंड हुई कहाँ पे,
श्राइन इन अ श्राइन एट मठ नियर मथुरा उत्तर प्रदेश। सिमिलर स्टैचूज जो है बहुत सारे अलग अलग जगह पाई गई, जैसे अफगानिस्तान में भी पाई गई। तो कुछ हिस्टोरियंस ये फील करते हैं कि ये इंडिकेट करता है कुशान जो हैं वो अपने आप को गॉड लाइक बताना चाहते थे, भगवान की तरह बताना चाहते थे। कुछ कुशान रूलर ऐसे थे जो अडॉप्ट करते थे टाइटल देवपुत्र और सन ऑफ गॉड, अपने आप को देवपुत्र सन ऑफ गॉड कहते थे। पॉसिबली ये पॉसिबल है कि वो इंस्पायर हो गए हो चाइनीज रूलर से, जो खुद को क्या बताते थे, सन ऑफ हेवन बताते थे कि हम स्वर्ग के भगवान हैं। ठीक है, तो बाई फोर्थ सेंचुरी देयर आर एविडेंस ऑफ लार्जर स्टेट। फोर्थ सेंचुरी से बहुत बड़े बड़े लार्ज स्टेट बनने लगे, जैसे गुप्ता एम्पायर, बहुत सारे जो थे डिपेंडेंट थे सामंत में, जो कभी जो ऐसे मैन होते थे जो मेंटेन करते थे themselves through local sources including control over land. They offered homage and provided military support to the ruler, जो ये सामंत होते थे मिलिट्री सपोर्ट देते थे रूलर को, एंड पावरफुल सामंत जो होते थे कभी कभी वो किंग भी बन जाते थे। जैसे हमने केस देखा चालुक्य और राष्ट्रकूता केस में, राष्ट्रकूता जो थे वो सामंत थे लेकिन उन्होंने ओवरथ्रो कर दिया अपने ही किंग को, अपने ही ऊपर जो राज करते थे उनको। कभी कभी जो किंग होते थे वो भी मतलब हायर अथॉरिटी, हायर किंग जो बहुत बड़े बड़े किंग होते थे उनके अंडर में आ जाया करते थे हार के। अब जो हिस्ट्रीज है गुप्ता रूलर की, तो वो ये है कि उनका जो हिस्ट्रीज ऑफ गुप्ता रूलर हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम लिटरेचर, कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग प्रशस्ति। प्रशस्ति से भी उनका गुप्ता रूलर का जो हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट किया गया। तो प्रशस्ति क्या होती थी, जो कंपोज होती थी, प्रेस यानी तारीफ होती थी उसमें किंग्स की, प्रशस्ति यानी उनमें तारीफें होती थी किंग्स की। ठीक है, और इसी से हिस्टोरियंस जो हैं वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ड्रॉ करते थे फ्रॉम सच कंपोजिशन। इसी कंपोजिशन से दोज़ हू कंपोज एंड रीड दैम ट्रेजर्ड दैम एज अ वर्क ऑफ पोएट्री, जो भी रीड करते थे उनमें वो भी ट्रेजर मानते थे उसको पोएट्री का। तो आज के लिए हम ये लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे और आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल वाणी अकेडमी एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। वी आर हेयर टू एम्पावर, इन्वॉल्व एंड एनकरेज यू। थैंक यू सो मच।